लर्निंग मार्केट के मनीष में आज हम अपने NISM कमोडिटी सीरीज का चैप्टर 2 जो कि कमोडिटी फ्यूचर्स है उसका डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्यूचर के प्राइसेस कंप्यूट होते हैं, क्या कॉन्टैंगो होता है, क्या बैकवर्डेशन होता है, क्या कैलकुलेशन होते हैं, सम्स एग्जाम्स में कैसे आ सकते हैं जिससे आपको एग्जाम देने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे लास्ट चैप्टर में आपको फ्यूचर क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा, उसमें अब मैं नहीं जाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, ये अगर आप तीन चैप्टर ही लेंगे ना तो इससे मोर देन 50% क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए ना टाइम लेके बना रहा हूँ लेकिन अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। अब फ्यूचर्स देखिए, फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड्स आर OTC। OTC बेसिकली ओवर द काउंटर, ऐसा नहीं है कि आप काउंटर पे गए, दवाई की दुकान पे गए, आप लेके चले, ऐसा नहीं है। बट यस, जिससे जो भी बायर और सेलर है दो जन आपस में नेगोशिएट करके ले सकते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, एक दूसरे को आप जानते नहीं हैं, ठीक है। एक्सचेंज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फ्यूचर्स जो होते हैं, दे आर हाईली स्टैंडर्डाइज्ड और उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, वो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। फॉरवर्ड में क्या होता है, हर चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप गए एक जन नॉर्मल बाय सेलर के पास, उसको बोला आपने कि मुझे 100 kg गेहूँ चाहिए, इतने रुपये में चाहिए, इस रेट को चाहिए। एक्सचेंज के पास अगर आप जाएंगे फ्यूचर्स के लिए तो वो बोलेगा भाई मेरा तो एक 100 kg का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, 1 ton का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 20 दिन बाद चाहिए, मुझे 20 दिन बाद नहीं देना है, मुझे 25 दिन बाद ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये मेन हो गया डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। फिर उसके बाद जब एक्सचेंज के थ्रू आप डील करते हैं, सो फ्यूचर्स जब आप डील करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क दोनों एक्सचेंज अपने ऊपर बियर करता है। सो आप अगर बायर हैं तो आपको ये अश्योरिटी रहेगी कि आपको चीज़ें मिलेंगी और पैसे भी आपके सेफ हैं वहाँ पे। काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे नहीं रहता है क्योंकि सारा गारंटी एक्सचेंज सेटल करने का लाइबिलिटी लेते हैं। हाउएवर फॉरवर्ड्स में क्या होता है, क्रेडिट रिस्क डायरेक्टली दो पार्टी के बीच में होता है। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं खरीदूंगा और वो नहीं खरीदता है, तब आप क्या करिएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है, राइट। तो वहाँ पे दिक्कत रहती है एक तरह से। फ्यूचर्स करने के लिए मार्जिन मनी चाहिए होता है, मतलब से फॉर एग्जांपल गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, से फॉर एग्जांपल जुलाई का एक्सपायरी मैंने लिया, तो जुलाई के एक्सपायरी को आज ट्रेड करने के लिए 60 lakh, अगर अभी कितना चल रहा है गोल्ड, 45,000 चल रहा है, तो 45,000 गोल्ड का प्राइस अगर 14% मार्जिन लेते हैं रफली 6 lakh आता है, तो 6 lakh मार्जिन आपको दे के ट्रेड करना है। हाउएवर जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो जनरली आप बोलते हैं मैं खरीद लूंगा, सामने वाला भी अजम्पशन में रहता है कि आप खरीद लेंगे, कोई एक्चुअल मनी का एक्सचेंज वहाँ नहीं होता है, या फिर नॉर्मल लोग टोकन मनी वगैरह दे देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। फ्यूचर्स में डेली सेटलमेंट होता है, डेली सेटलमेंट एज इन डेली M2M पे इन पे आउट होता है। तो सम्स ऐसे आ सकते हैं कि कल जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 45,000 थी, आज जो क्लोजिंग प्राइस है वो 45,100 है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 1 kg, तो MTM कितना आया, तो 100 rupees लॉस हुआ, लेकिन कोट कितने का रहता है, 10 grams का कोट रहता है गोल्ड का, तो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो कितना हुआ लॉस आपका, अगर उसको 100 gram करते हैं तो आपका कितना होगा 1000, और उसको आप 1 kg करते हैं तो 10,000, तो 100 rupees चेंज किया ना, 10,000 M2M आया, ऐसा कंप्यूटेशन आ सकते हैं। बायर साइड में आप हैं तो बायर साइड के हिसाब से आएगा, सेलर साइड में आप हैं तो सेलर साइड के हिसाब से आएगा, तो M2M प्रॉफिट या लॉस आपको बताना पड़ेगा। अभी आपको एक्सेल में उसको करके दिखा भी दूंगा। फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैच्योरिटी डेट पे ही पेमेंट करनी है, तो उस दिन कोई आपको ऐसा रहता नहीं है कि मेरा डेली M2M आपको एडजस्ट करना है। फ्यूचर्स जितने ट्रेड होते हैं, मान लीजिए अगर 100 contracts ट्रेड हो रहे हैं ना, तो उसमें हार्डली 2-3% ही एक्चुअली जाके सेटल होते हैं फिजिकल में। मैक्सिमम लोग तो क्या है, बस वो जो डिफरेंस ऑफ मनी है या हेजिंग है उसके लिए ही करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली फिजिकल डिलीवरी एक्चुअल में होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड, बायर्स एंड सेलर्स एंड एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर OTC, मतलब दो जन के बीच में हुआ। OTC का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर, हाउएवर उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि दो जन के बीच में हुआ, खाली बायर और सेलर इन्वॉल्व है। फ्यूचर्स आर हाईली लिक्विड एंड कैन बी क्लोज आउट ईजिली, मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी इतनी रहती है कि आप बाई कर रहे हैं, उस समय जो सेलर था वो ना भी हो, कोई दूसरा, जब आप बेचने जाएंगे तो कोई दूसरा बायर जरूर रहेगा, वहाँ पर आप सेलर बन जाते हैं। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, लिक्विड नहीं है क्योंकि
आपने जिसके संग एग्जीक्यूट किया ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसी के संग करना है, कैंसिल करना है तो उसी के साथ करना है आपको। अब फ्यूचर और स्पॉट के बीच में, स्पॉट क्या हो गया आज की प्राइस, फ्यूचर क्या हो गया कल की प्राइस, कल यानी कि जो भी आने वाला फ्यूचर है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कॉस्ट ऑफ कैरी का। फ्यूचर का प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या क्या होता है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड तो आप घर में ऐसे रख नहीं देंगे, घर में भी आप रखते हैं तो घर का भी तो रेंट लगता है, राइट। तो लेकिन आप कहीं रखेंगे वॉल्ट में, वॉल्ट का मंथली चार्जेस आपका होगा। अगर आप 1 kg गोल्ड रखते हैं तो हो सकता है वॉल्ट का मंथली चार्जेस 1,500-1,500 रुपये आ रहा हो, तो मंथ में 1,500-1,500 तो आपको खाली गोल्ड रखने का कॉस्ट आ जा रहा है। उसके बाद होता है इंश्योरेंस। अगर आपने इतना महंगा कोई सामान रख के रखा है, आप इंश्योरेंस करा के ही रखेंगे, क्योंकि कल मान लीजिए फायर हो गया, चोरी हो गई, डैमेज हो गया कुछ, तो उसको कौन बियर करेगा, तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मान लीजिए आपको सामान लेना है यहाँ पे आपका बॉम्बे में, और आपका प्रोडक्शन होता है कहीं पर बाहर में, तो वहाँ से आज यहाँ पर आने का भी जो कॉस्ट लगेगा ना, वो भी बियर होगा। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जिसको अपने ब्याज बोलते हैं। तो होता क्या है कि पैसे, देखिए हर पैसा ना अब कुछ एक इंटरेस्ट कैरी करता है, राइट। आप अगर पैसे को बैंक में नॉर्मल FD करके भी रख देंगे तो आपको एक इंटरेस्ट आते रहेगा। अभी जो इंटरेस्ट मान लीजिए FD का 5% चल रहा है, अब वो 5% इंटरेस्ट आपको बिना कुछ किए आपके पैसे का आएगा, बट अगर आप वो पैसे किसी एसेट में लगा रहे हैं तो वो रिटर्न आना चाहिए एटलीस्ट, सो दैट आपका प्राइस मैनेज हो पाएगा। और कुछ और भी कॉस्ट होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, लाइक गवर्नमेंट का चार्जेस हो गया, टैक्सेस हो गया, इनवॉइस प्रोसेसिंग का चार्जेस हो गया, ये सब चीजें। तो ये सब कंप्यूट करके कॉस्ट ऑफ कैरी निकलती है और वो ऐड हो जाता है स्पॉट प्राइस में, सो दैट आपका फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उससे ना समझ के मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो देखिए, मान लीजिए आपका आज स्पॉट चल रहा है 45,000, ठीक है, फ्यूचर अभी दिखा रहा है 46,000। मान लीजिए गोल्ड का आज स्पॉट चल रहा है, आप गोल्ड खरीदने गए 24 कैरेट का, आपने पूछा तो वो बोला सर 45,000 चल रहा है। आप फ्यूचर में MCX पर रेट चेक करते हैं, वो बताता है आपको कि अरे यार ये तो 46,000 बता रहा है, तो क्या करें अब खरीद के आज रख लें या उसी दिन खरीदें, तो वो कैसे हुआ। अब ये एक्सपायरी आपको दिख रही है 3 महीने बाद, आपको जरूरत अगर आज है तो आप स्पॉट में ही लोगे, बट आपको जरूरत ही नहीं है, आपको बस 3 महीने बाद हो सकता है कि जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। बट ये जो 1,000 रुपये का यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है 46 और 45,000 में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कि इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो ये जो 1,000 का डिफरेंस है ना, ये हुआ कॉस्ट ऑफ कैरी। अब इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, एग्जाम में सम्स कैसे आते हैं, कि लिख देगा स्पॉट चल रहा है 45,000 और कॉस्ट ऑफ कैरी है 8% पर एनम, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। स्पॉट हो गया 45,000 जो आपको दिया हुआ है, और जो आपने कॉस्ट ऑफ कैरी कंप्यूट किया, ये 8% आपने कंप्यूट किया, 8% ऑफ 45,000 फॉर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है 3 मंथ्स का, राइट। तो पर मंथ आपका 300 रुपये इंटरेस्ट है, मान लीजिए 1 महीने बाद की एक्सपायरी है, अगर हम ये 1 मंथ का लेते हैं तो, हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपको बोल दिया कि नहीं आप तो एक्सपायरी 2 मंथ्स की है, तो 2 मंथ्स की एक्सपायरी आप करेंगे, तो 2 मंथ्स की एक्सपायरी करने के लिए आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज इंटू 2, तो 600 रुपये आ गया। अगर कहता है कि 3 मंथ्स का है, तो ये हो गया आपका 900 रुपये कॉस्ट ऑफ कैरी। इस तरीके से कंप्यूट करना है अपने को, तो ऐसा सम्स आ सकता है। एक और कॉस्ट ऑफ कैरी का सम आता है, जिसमें आपको दे दिया कॉस्ट ऑफ कैरी हो गया 8% पर एनम, जनरली ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दे दिया आपको 1%, लिखा नहीं है कि आप क्या लोगे, राइट। अगर पर एनम लिखा है तो पर एनम लेना है, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो भी पर एनम लेना है, अगर पर मंथ स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो आप पर मंथ लेंगे। स्पॉट का आपने निकाला, 1 मंथ का स्टोरेज कॉस्ट आपने, इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला आपने 300 रुपया, स्टोरेज कॉस्ट आपने निकाला, स्टोरेज कॉस्ट आपने कैसे निकाला, 1 मंथ का इससे कैलकुलेट करके आपने निकाला, तो आपका आ गया 37 रुपीज। तो फ्यूचर की प्राइस अभी कितनी चलनी चाहिए, इतना चलना चाहिए, ये हो गया। इस तरह से अपने निकालेंगे। अब समझ में कुछ भी आ सकता है, वो यहाँ 1% ना दे के बोल दिया कि स्टोरेज कॉस्ट है 500 रुपये पर मंथ, तो आपको 500 रुपये यहाँ लिखना है। अगर बोल दिया कि इंटरेस्ट है 12%, तो आपको 12% के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, तो आपने 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया, पर एनम 12% का इतना हो रहा है,
आपको अगर मंथ से कैलकुलेट करना है तो आप जितने मंथ का आपको करना है उतना मंथ का आप डिवाइड कर दीजिएगा उससे। अगर वो बोलता है कि सिर्फ आपको एक मंथ का ही करना है, ठीक है, तो आप उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 450 रुपीज़ आ गया पर मंथ। तो इस तरीके से आपको कंप्यूट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान रखने हैं। और इसमें ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैं सब बताऊंगा तो नहीं, लेकिन एक जो सम्स आता है जिसमें मंथली कंपाउंडिंग और डेली कंपाउंडिंग का आता है, उसको मैं अभी आपको फॉर्मूला तो दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो एग्ज़ाम में आया तो उसको स्किप करना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर सही नहीं बना तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने बुक पे वापस। तो ये जो 8000 और 340 का एग्जाम्पल दिया आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पे गोल्ड का स्पॉट बोल रहे हैं 25,000, कॉस्ट ऑफ कैरी बोल रहे हैं 12% पर एनम। तो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, और 4 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और 4 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पे 3 महीने कंप्यूट किया वो करके ये 26,000 लेके आ रहे हैं, यही चीज़ है। अब होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंस क्या हुआ कि गोइंग फॉरवर्ड जब फ्यूचर आने वाला रहेगा, तो फ्यूचर मान लीजिए 4 महीने बाद एक्सपायरी है, अगर हम यहाँ 4 महीने बाद की एक्सपायरी पकड़ते हैं, तो 4 महीने बाद अगर एक्सपायरी है तो स्पॉट और फ्यूचर जाके मिल जाएगा 4 महीने बाद, ठीक है। और उसके बाद स्पॉट और फ्यूचर में उस 4 महीने के बाद डिफरेंस कुछ बचेगा नहीं, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम फ्रेम पास आता जाता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, डिफरेंस खत्म होता जाता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली मैं आपको शीट पे दिखाता हूँ। सो पहले क्या चल रहा था, स्पॉट आज 200 चल रहा है और फ्यूचर आपका चल रहा है 215, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये 202 हो गया, ये 213 हो गया, ये 204 हो गया, 211 हो गया, 209 हो गया, ये 206 हो गया, फिर कुछ जिस दिन एक्सपायरी हुई, एक्सपायरी के दिन पे ये 207 दोनों आ गए, और ये आज का हो गया, राइट। इसको बोलते हैं कॉन्टैंगो, मतलब कि आपका प्राइस फ्यूचर में प्रीमियम में चल रहा है और वो एक्सपायरी के दिन दोनों आके मिल गए, ये कॉन्टैंगो मतलब क्या हो गया, फ्यूचर आपका प्रीमियम में चल रहा है। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, व्हाट इज कॉन्टैंगो, तो फ्यूचर आपका प्रीमियम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैंगो। कॉन्टैंगो क्यों हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आज कोल इंडिया ने डिक्लेयर किया कि उसको 10 रुपये वो डिविडेंड देने वाला है, राइट। तो स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस में एक डिफरेंस आ जाएगा आपका, वो हो गया आपका बेसिकली कॉन्टैंगो, कि ये जो डिफरेंस आ गया ये फ्यूचर में मिलने वाला है। अब देखिए अगर 2 दिन बाद डिविडेंड आने वाला है तो फ्यूचर उसको पहले से फैक्टर करने लगेगा कि अब तो डिविडेंड आ जाएगा, तो अब प्राइस उसका नेगेटिव में जाने लगेगा, उसको बोलते हैं अपने बैकवर्डेशन। इसमें क्या हो गया, स्पॉट के प्राइस ज़्यादा हैं, फ्यूचर के प्राइस कम है। तो अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे कन्वर्ज होकर ये दोनों 207 पे आ गए, ये कन्वर्जेंस को बोलेंगे अपने बैकवर्डेशन। इसका मतलब क्या है, प्राइस स्पॉट की प्राइस ज़्यादा चल रही है, फ्यूचर की प्राइस कम चल रही है, क्यों ऐसा क्यों हो सकता है अगर डिविडेंड आना है तो। और कॉन्टैंगो एक इस तरह से भी हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल आज 200 रुपये प्राइस चल रहा है, फ्यूचर में 215 चल रहा है, उसका डिफरेंस का कारण ये भी हो सकता है कि हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा डिमांड होगी, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच के कारण हो सकता है। मान लीजिए आज किसी को जिंक खरीदना है, वो जिंक खरीदने गया, राइट। अब वो जिंक खरीदने जब जा रहा है तो वो देख रहा है कि स्पॉट में चल रहा है 200 रुपये, फ्यूचर में चल रहा है 215 रुपया, तो क्यों डिफरेंस चल रहा है। बट वो सेम चीज़ जब एक्सपायरी के दिन जाके देखता है तो वो देखता है कि 207 रुपये अब दोनों का चल रहा है, ऑन एन एवरेज दोनों एवरेज हो गए, स्पॉट थोड़ा सा बढ़ गया, फ्यूचर थोड़ा सा बढ़ गया, क्यों, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे आके मैच कर गए। डिमांड सप्लाई का जब इनिशियली मिसमैच था तो आपके यहाँ पे सप्लाई कम थी, जैसे लोग को दिख रहा है कि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो सप्लाई बढ़ते रहेगी, तो सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होगा, प्राइस कम होते जाएगा, वही चीज़ होके लास्ट में कन्वर्ज हो जाएगा और दोनों प्राइस स्पॉट और फ्यूचर आके मिल जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे मान लीजिए आलू आपका प्रोड्यूस होना है, राइट। अब 10 केजी आलू का आज के डेट में स्पॉट प्राइस चल रहा है 215 और फ्यूचर चल रहा है 200 रुपया, क्यों चल रहा है 200 रुपया, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला हो, राइट। तो अब फ्यूचर में चल रहा है 200, स्पॉट में चल रहा है आपका 215। अब जो भी स्पॉट फ्यूचर वाला है वो क्या सोचेगा कि यार फ्यूचर में तो मुझे कम प्राइस मिलना है तो मैं प्रोडक्शन कम करूं, तो आप प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करते हैं, जब प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई जब कम होती है तो
प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, वो प्राइस आगे कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। और स्पॉट पे चूंकि प्राइस हाई चल रहा है और आपको देखना है क्या कि प्राइस धीरे धीरे स्पॉट में हाई चल रहा है और फ्यूचर में आपका लो चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे कि अच्छा ठीक है अभी ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो ज़्यादा डंप करते हैं, अभी ज़्यादा पैसा ले लेते हैं क्योंकि ये जो डिफरेंस है मिल जाएगा, बाद में डिफरेंस मिले या ना मिले तो लोग ज़्यादा डंप करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, वो सप्लाई आगे कहाँ कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे। इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। सो स्पॉट और फ्यूचर विद द टाइम फ्रेम एक्सपायरी पे आके मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन मैंने आपको बता दिया। प्राइस अगर फ्यूचर में प्रीमियम में चल रहा है, मतलब फ्यूचर के प्राइसेज ज़्यादा चल रहे हैं तो कॉन्टैंगो मार्केट हुआ, और अगर प्राइस फ्यूचर में नीचे चल रहा है तो बैकवर्डेशन मार्केट हुआ। अब फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, फ्यूचर्स प्लस इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का कंप्यूटेशन हमने आपको दिखाया। अब इसमें उसी तरह के काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है, जो हमने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया है वही चीज़ है ये, अभी आपको उसी तरह से कंप्यूट करना है। और देखिए फिनेंस कॉस्ट आ गया 36 रुपये यहाँ पे, और आपका 6 रुपये आ गया स्टोरेज कॉस्ट, तो फ्यूचर में प्राइस क्या होना चाहिए, 43 रुपीज़ होना चाहिए, राइट। तो फेयर वैल्यू ऑफ ये फेयर वैल्यू क्या आएगा, स्पॉट हो गया 2500 और इसका आ रहा है 2443 रुपया, तो इस तरीके से 2543 रहेगा। हाँ, अब ये जो मैं बता रहा था आपको, एनुअल कंपाउंडिंग के सम्स आ सकते हैं, मंथली कंपाउंडिंग के सम्स आ सकते हैं, डेली कंपाउंडिंग के सम्स आ सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में सरप्लस टाइम है तो ही आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, और इसको स्किप करना बेटर है, क्योंकि अगर वहाँ पे कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेल आपके पास नहीं होगा, तो हो सकता है आप हाथ से कर रहे हो तो आपसे गलती भी हो सकती है। स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस है आपका जो भी आपको दिया रहेगा, फ्यूचर प्राइस ये हो गया। अब ये एनुअल कंपाउंडिंग का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो एन इज द टाइम पीरियड टिल एक्सपायरी, नंबर ऑफ ईयर्स, और ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हो गया आपका एनुअली, वन प्लस ए रेट ऑफ आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको फॉर्मूला से अगर आप करेंगे तो अच्छा, ये फॉर्मूला इन लोगों ने दिया एनुअल कंपाउंडिंग के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर मल्टीपल टाइम्स इन ए ईयर, मतलब अगर क्वार्टरली दिया है या मंथली दिया है तो कैसे करेंगे, वो चीज़ है ये। तो अब इसने दिया है कि कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम गोल्ड इज 25,000, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 12% पर एनम, रेट ऑफ कंपाउंडिंग इज मंथली, ठीक है, और 4 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 4 महीने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है, स्पॉट लगाया इन्होंने 25,000, 1 + R / M, R इज वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, M इज वॉट, M इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.12, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 0.12 क्यों, क्योंकि वो परसेंटेज था, तो फ्रैक्शनल नंबर में लेंगे तो 0.12 आएगा। उसके बाद M इज वॉट योर मंथली कंपाउंडिंग, और उसके बाद M इंटू N करना है हमें, तो M क्या है यहाँ पे 12 है और N क्या है यहाँ पे 4 मंथ्स है, तो 4/12, राइट। तो उसको हमने किया, इसमें 12 कट गया तो बचा 4, और यहाँ पे इसको कंप्यूट आपने किया तो 1.01, तो यहाँ पे 1.044 ये एक नंबर आ रहा है, और ये 26,000 आपका फ्यूचर का वैल्यू आ रहा है। अब मैं मना क्यों कर रहा था, मैं मना इसीलिए कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटेशन आप नॉर्मल एक्सेल पे कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैनुअली हाथ से पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी। और अगर डेली कंपाउंडिंग है तो ये और डिफिकल्ट है, ई की वैल्यू आपको दी रहेगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, एस इंटू ई टू दी पावर आर इंटू एन, आर क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन हो गया आपका एक्सपायरी। अब मान लीजिए ई का वैल्यू आपको दे दिया गया है और आर इंटू ये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.12 और एन हो गया पीरियड आपका, तो पीरियड अगर 4 मंथ्स है तो 4/12 आपने किया, वो कंपाउंड करके आपने ये निकाला, ई की वैल्यू आपको दी हुई थी, ई की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 2.718 दिया हुआ था, सो ये वैल्यू आपने इसको ये अचीव किया और ये आपने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। तो ये इस तरीके से भी कंप्यूट किया जा सकता है, ई की वैल्यू दी रहेगी तो ही आप निकाल पाओगे, नहीं तो ये 2.72 करके आप कंप्यूट कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू ध्यान रखिए 2.72 भी आप कर सकते हैं। अब कन्वीनियंस यील्ड क्या हो गई, कन्वीनियंस यील्ड ये हुई कि आप आज ही कमोडिटी को खरीद सकते हैं लेकिन आपके पास फ्यूचर बाई करने का भी ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, बेटर आपके लिए क्या है, तो बेटर ये है कि
आपने डिसाइड किया कि एक सेकेंड रुकिए ना, एक सेकेंड, हाँ, तो आप क्या तो उसको फिजिकली आप होल्ड कर लीजिए या फिर आप उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, तो उसके कारण एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है कन्वीनियंस यील्ड। अब देखिए होता क्या है, अगर आप फिजिकल एसेट आज खरीद लेते हैं, चार महीने बाद अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उस चार महीने बाद आप उसका क्या करेंगे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत हो सकती है तो आप क्या करते हैं उसको उसमें अभी फ्यूचर पोजिशन ले लेते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि आप बिना ओन किए, बिना आप स्टोरेज कॉस्ट पे किए, बिना आप पूरे पैसे ब्लॉक किए, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर उनको हमेशा इन्वेंट्री उनके पास ना रहे तो उनका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, राइट, इसलिए वो एक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो अगर उनके पास अगर इन्वेंट्री स्टॉक पे रहे या उनको अश्योरिटी रहे कि उनको डिलीवरी मिलेगी तो उसके भी एक कॉस्टिंग आती है, वही चीज़ ये सब है। और सप्लाई बॉटलनेक को एलिमिनेट करने के लिए ये सब फ्यूचर मार्केट रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर आपको एटलीस्ट सर्टेनिटी रहेगी किस प्राइस पे आपको सामान मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग कैसे निकालते हैं इसको, तो फ्यूचर प्लस स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी प्लस कन्वीनियंस यील्ड, तो कन्वीनियंस यील्ड मान लीजिए दिया हुआ है 2%, तो जैसा हमने फॉर्मूला कंप्यूट किया उसी तरह आप उसको 2% कंप्यूट करके निकाल देते हैं। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड का हमने डिस्कस कर लिया है तो उसको दोबारा डिस्कस करके मतलब नहीं है। अब एडवांटेजेस पढ़ लीजिए, एडवांटेजेस ये एफिशिएंसी, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एज मार्केट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। देखिए फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, आप और मैं एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि मैं अगर सेलर हूँ तो मैं आपसे 2 रुपये ज़्यादा लेने के इंटरेस्ट दिखाऊँ, बट चूंकि एक्सचेंज के थ्रू मैकेनिज्म से ट्रेड हो रहा है तो उसमें क्या होता है बायर्स एंड सेलर्स दोनों भर भर के हैं, दोनों जन अपना प्राइस देते हैं, प्राइस कोट देते हैं, उसमें जो प्राइस मैच होता है दैट बिकम्स द एक्चुअल प्राइस, तो आपको प्राइस डिस्कवरी बेटर मिलती है। एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, क्योंकि एक्सचेंजेस गारंटी लेते हैं कि वो आपका सेटलमेंट करवा देंगे, अगर आप मान लीजिए मेरे संग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो जन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको गारंटी कोई नहीं लेता है। हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट छोटे हों बड़े हों सब लोग अपने स्केल के हिसाब से, आज के डेट में अगर MCX पे आप देखेंगे तो गोल्ड 1 kg का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 10 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसा ट्रेड कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन के कारण क्या होता है कि एटलीस्ट मार्केट में एक सेट पैटर्न बन जाता है, जैसे कि 995 प्योरिटी का गोल्ड मिलेगा तो ये मालूम है कि 995 प्योरिटी का ही बार मिलेगा, आपको ये नहीं देखना है कि 990 का क्या प्राइस चल रहा है, 960 का क्या प्राइस चल रहा है, 916 का क्या प्राइस चल रहा है, आप 995 के हिसाब से ही आप देखते हैं, राइट। और एक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है कमोडिटी फ्यूचर्स में अगर आप डील करते हैं तो। अब पे ऑफ प्रोफाइल, ठीक है, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आपका पॉजिटिव पे ऑफ है, अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो आपका नेगेटिव पे ऑफ है। अब मान लीजिए कैसा पे बनता है, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, राइट, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया तो अगर आपने 100 रुपये में फ्यूचर का प्राइस खरीदा और स्पॉट प्राइस भी 100 रुपये ही चल रहा है तो कोई तो प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, बट जिस दिन मैच्योर हो रहा है उस दिन अगर प्राइस 110 चला गया तो लॉन्ग का मतलब बाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, और शॉर्ट का मतलब सेल होता है। ये मार्केट टर्मिनोलॉजी आपको बहुत काम आएगा क्योंकि हम आगे भी इसी टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। सो 10 रुपये की आपकी प्रॉफिट हुई, तो जो फ्यूचर 100 रुपये में खरीदा था उसको 10 रुपये की प्रॉफिट हुई, अगर ये स्पॉट प्राइस 90 चला जाता है तो जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन 90 रुपये में आपका एक्सपायरी होगी तो उस दिन क्या होगा 10 रुपये का लॉस हो सकता है, यही चीज हो गया पे ऑफ चार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 1% गोज लॉन्ग सम अदर पर्सन गोज शॉर्ट अदरवाइज ए डील विल नॉट टेक प्लेस, इसका मतलब क्या है, अगर आप बायर हैं तो कोई एक सेलर भी होगा, राइट, तो वो सेलर कैसे होगा, अब सेलर कौन हुआ जो बेच रहा है और बायर कौन हुआ जो खरीद रहा है, दोनों जिस प्राइस पे मीट किए हैं वो आपका हो गया आपका ट्रेडिंग प्राइस। अब मान लीजिए 100 रुपये पे किसी ने फ्यूचर शॉर्ट किया था तो अगर स्पॉट में
प्राइस आपका एक्सपायरी के दिन 50 है तो उसको शॉर्ट किया था उसने, चूंकि उसका सेल किया था तो अब उसको वो चीज़ 50 में मिल रहा है, राइट, तो वो उतने में खरीद के पैसा स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो 50 रुपये उसको प्रॉफिट आ गए, 60 आया तो 40, 100 रुपये पर अगर रहता तो 0 प्रॉफिट है उसको, अगर प्राइस 150 चला जाता तो उसको 50 रुपये का लॉस है, क्योंकि उसने 150 पे खरीदा था, अब एक्सपायरी पे उसको बाई करना है, तो अब जब बाई करने आएगा वो तो उसको 150 रुपये पे बाई करना है। अगर आपने सेल किया था तो आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा बाई के साइड में। तो ये हो गया शॉर्ट फ्यूचर्स का पे ऑफ, अगर 100 पे रहता है तो 0 प्रॉफिट, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है 50 के आसपास पहुंचे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका, जैसे जैसे 150 के आसपास प्राइस पहुंचा तो आपका मैक्सिमम लॉस है। ये हो गया। अब स्पॉट प्राइस पूलिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या करते हैं, डेली बेसिस पे 2-3 बार कॉल करते हैं फिजिकल मार्केट में और स्पॉट प्राइस निकालते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे वो पब्लिश करते हैं, अपने वेबसाइट पे वो पब्लिश करते हैं, सो दैट आपको पता चलते रहे कि डेली बेसिस स्पॉट प्राइसेस क्या चल रहे हैं। और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट के दिन फाइनल सेटलमेंट प्राइस वो डिटरमाइन करते हैं और ड्यू डेट रेट करके अपना सर्कुलर पब्लिश करते हैं। अगर कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा, और अगर आपका मान लीजिए फिजिकल सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा कि फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट वो फिजिकली जो प्रोडक्ट आपने मान लीजिए गोल्ड बेचा था तो आपको गोल्ड जाके वहाँ डिलीवर करना पड़ेगा उनके डेजिग्नेटेड वेयर हाउस में, और वेयर हाउस या वॉल्ट जो भी आप बोल लीजिए, और अगर आपने खरीदा था तो आपको वहाँ से डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सचेंज को क्या क्या डिस्क्लोज करना है, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म ऑफ स्पॉट प्राइस पूलिंग, मतलब आप स्पॉट कहाँ से लेंगे, स्पॉट प्राइसेस निकलेंगे कैसे वो डिटरमाइन करना है, प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या एक्सक्लूडेड है, कौन कौन से टैक्सेस आपने लगाए हैं कौन कौन से आपने एक्सक्लूड किए हैं, स्पॉट प्राइस आपने खुद डिटरमाइन किया है कि आप कहीं और से निकाल के दे रहे हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, और जो भी चीज़ ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी हो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज ये चैप्टर यहीं हम एंड करते हैं।